प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कर्नल सोनाराम की पार्टी में वापसी पर कहा कि वो पहले भी कांग्रेस में ही थे, इसके बाद भाजपा में चले गए थे, इसलिए अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा। उन्होंने कहा कि शनिवार को राहुल गांधी के साथ पहले चरण के नामांकन के बाद आए फीडबैक पर आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। साथ ही कहा कि राजस्थान में राहुल गांधी की 8 चुनावी सभाओं को राहुल गांधी संबोधित करेंगे। पहले चरण में 4 सभाएं होंगी, इनके लिए समय और स्थान 2 दिन में तय हो जाएंगे। द्वारा सभी 25 लोकसभा जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं राजस्थान की, उसके सफल एवं प्रभावी संचालन के लिए एवं वहां के स्थानीय सभी लोगों को साथ लेकर उसे सफलतापूर्वक संचालन एवं चुनावी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा आज 25 लोकसभा क्षेत्रों के लिए पार्टी ने वहाँ के इंचार्ज और वहाँ के जो वरिष्ठ नेतागण हैं उनको उसकी जिम्मेदारी दी गई है। ये नेतागण उस लोकसभा क्षेत्र के सभी संगठन और हमारे कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर जो पार्टी के हमारे उम्मीदवार हैं उनके विजय के लिए सभी को एकजुट कर आगे की रणनीति। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।